ये ऐप वाला मसला जो जावा आई ऐप वाला मसला है, यहाँ पर वो हमारे अज़ीज़ फारूक साहब ने, फारूक भाई ने बताया कि उसके अंदर वो नंगी फिल्में नहीं होती, लेकिन नंगी फिल्में नहीं होती, होती फिल्में हैं। इंडिया की फिल्में हो गई, इंग्लिश की फिल्में हो गई, कार्टून हो गए, जो गैर शरीई और हराम है। और यहाँ पता चला, बता रहे थे कि 1 करोड़ रुपया हमारे किसी दोस्त के मिलने वाले ने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है और 3 लाख रुपये वो कमा रहा है। अब यहाँ पर 1 करोड़ रुपया जो आपने वो ख़रीदा, आपके हाथ में कुछ भी नहीं आया, आपकी मिल्कियत भी साबित नहीं हुई, तो ये जितनी भी सूरतें पहले बयान कर रहा हूँ वो जावा आई ऐप के अंदर भी वो उसके ऊपर लगती हैं, लागू होती हैं। फिर इसके बाद अल्लाह पाक फरमाता है, तआमनु अलल बिर्रि वत्तक्वा वला तआमनु अलल इस्मि वल उद्वान। अगर नंगी भी नहीं है, नीम नंगी तो है ना, उसके अंदर रक्स सुरूद तो है ना, उसके अंदर लड़कियों का डांस तो है ना, वो किसी की भी बेटी हो, काफिर की भी बेटी हो, उसका नंगा नाच देखना, उसके या उसका वैसे नाच देखना, उसको नचाना, ये कौन सी शरीयत के अंदर जायज़ है? फिर आप वो ख़रीदने के बाद आप आगे बेच रहे हैं। अब मैं फिर वही बात करूँगा, ये टिकटें ख़रीद कर फिर ये फिल्में ख़रीद कर आगे बेचना, ये वही दलाली और दल्लागिरी ही बनती है। ये दल्लागिरी का माल अगर आप अपने बच्चों को खिलाएंगे तो आप बताएं आपके लिए क्या हलाल होगा? अल्लाह पाक ने ही फरमाया, ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, कि ये अपने माल को गलत तरीके से ना कमाओ ना खाओ, व तुदलू बिहा इलल हुकाम, और ये हाकमों तक अपने माल पहुँचा कर दूसरों के माल को हड़प करने की कोशिश भी ना करो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें ये हक के साथ कमाने और रिस्क के हलाल खाने की तौफीक अता फरमा।